हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्लूड मैकेनिक्स के। आज के इस लेक्चर में हम दो बहुत अच्छे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे और ये बिल्कुल रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और ये दोनों प्रॉब्लम्स जेई मेंस और जेई एडवांस के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है। और मान लो ये कंटेनर है जिसमें फ्लूड भरा हुआ है, ठीक है, आइडियल फ्लूड। इस फ्लूड की डेंसिटी है रो, और मान लो फ्लूड की हाइट काफी ज्यादा है। फ्लूड हाइट इज आई, ठीक है, इज हाई इनफ। और मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, जिसकी लंबाई है L और जिसकी डेंसिटी है रो बाय फोर, ठीक है, यूनिफॉर्म रोड। और यही कंटेनर है जिसके अंदर ये वाला फ्लूड है। फ्लूड की डेंसिटी रो और इस रोड की डेंसिटी देखो रो बाय फोर, फ्लूड की डेंसिटी से तो कम ही है। अगर मैं इस रोड को जेंटली इस फ्लूड के अंदर डालूं तो ये रोड फ्लोट करेगी और इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि रोड की डेंसिटी रो बाय फोर, फ्लूड की डेंसिटी रो से कम ही है। तो अगर इस रोड को मैं जेंटली इस फ्लूड के अंदर डालूं तो ये रोड कुछ इस पोजिशन पर फ्लोट करेगी या इक्विलिब्रियम पोजिशन पर आएगी, ठीक है। ये हाइट h1, ये क्या होगी, मतलब रोड का कितना हिस्सा फ्लूड के अंदर होगा जब ये रोड फ्लोट करेगी, ये h1 क्या होगी, रो बाय फोर डिवाइडेड बाय रो इनटू में दिस l, तो ये कितनी आ गई, l बाय फोर। और ये बाहर की तरफ कितना पोर्शन होगा रोड का, 3l बाय फोर, ठीक है। तो इस पोजीशन पे ये रोड इक्विलिब्रियम पे है, फ्लोट कर रही है। एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स, अप थ्रस्ट बायोंट फोर्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब जो एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा रोड पे इस पोजीशन पे, उतना ही अप थ्रस्ट फोर्स आएगा, बायोंट फोर्स आएगा एम जी के बराबर ही मैग्नीट्यूड में। तो रोड इस पोजिशन पे फ्लोट करेगी, इक्विलिब्रियम पे होगी, ठीक है। तो देखो यहां पे कोई हवा नहीं है, नो एयर, ठीक है, वही रोड जिसकी डेंसिटी रो बाय फोर और लंबाई एल और ये हाइट है मान लो एल बाय टू। और इस रोड को मैं अब यहां से रेस्ट रिलीज करूंगा, ठीक है, ऐसे छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, ये रोड अंडर ग्रेविटी आएगी, बिल्कुल आएगी, अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगी रोड। तो ये रोड जब इस फ्लूड के अंदर जस्ट एंटर कर रही होगी तो इस रोड की रफ्तार होगी मान लो v1। तो देखो यहां से यहां तक रोड अंडर ग्रेविटी कितना नीचे की तरफ आई, l बाय टू, तो ये v1 क्या हो जाएगा, रूट टू जी एच, एच क्या, एल बाय टू, तो ये कितना हो गया, रूट जी एल, ठीक है। तो वी वन कितना हो गया, रूट जी एल, मतलब जब ये रोड इस फ्लूड के अंदर जस्ट एंटर कर रही होगी तो रोड की रफ्तार क्या होगी, रूट जी एल। फिर इसके बाद में क्या होगा, रोड फ्लूड के अंदर एंटर करेगी, बिल्कुल करेगी, फ्लूड के अंदर जाएगी ना रोड, तो कुछ इस पोजीशन पे भी आएगी रोड। जब ये कितनी होगी, L बाय फोर और ये थ्री एल बाय फोर,
ठीक है। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इस रोड का जो एक्सेलरेशन है ना वो जी से घटता घटता इस पोजीशन पे रोड का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो मतलब इस पोजीशन पे रोड की रफ्तार वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वी मैक्सिमम। जब ये रोड इस फ्लूड के अंदर एंटर करना शुरू करेगी ना तो इस रोड का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा जी से, और कम और कम और कम। तो जब ये रोड फ्लूड के अंदर कितना एंटर कर जाएगी, एल बाय फोर। तो इस पोजीशन पे रोड की रफ्तार मैक्सिमम होगी, वी मैक्सिमम, और रोड का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्योंकि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जैसे रोड एंटर करती गई, एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स अप थ्रस्ट फोर्स से ज्यादा ही है, ठीक है। तो यहां से यहां तक रोड का एक्सेलरेशन तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अप थ्रस्ट फोर्स बढ़ता जाएगा, लेकिन स्टिल एम जी अप थ्रस्ट फोर्स से ज्यादा ही है। तो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन तो होगा लेकिन वो कम होता जाएगा। तो इस पोजिशन पे जो अप थ्रस्ट फोर्स आएगा वो एम जी के बराबर हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, रफ्तार मैक्सिमम होगी रोड की, ठीक है। तो रोड और नीचे की तरफ जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और यहां पे ऐसा गिवन है, फ्लूड का जो लेवल है काफी ज्यादा है, उसकी टेंशन मत लो। तो फिर इसके बाद में क्या होगा, रोड की रफ्तार कम होती जाएगी, बिल्कुल। तो फाइंड आउट क्या करना है, किस पोजीशन पे फ्लूड के अंदर मेरी रोड एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, एट विच पोजीशन रोड कम्स एट रेस्ट इनसाइड फ्लूड, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो, जब रोड का कुछ पोर्शन फ्लूड के अंदर है तो मैं एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाने जा रहा हूं। जब रोड का कुछ पोर्शन फ्लूड के अंदर है, जैसा कि ये रहा, ठीक है, इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो, इस पॉइंट पे फोकस करना, रोड के लोअर एंड पे, ठीक है। मान लो रोड का जो लोअर एंड है ये फ्लूड की सरफेस से कितना नीचे है, एक्स डिस्टेंस नीचे है, ठीक है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। और मैं इंटरमीडिएट स्टेज यहां पे क्या मान रहा हूं, जब रोड का कुछ पोर्शन फ्लूड के अंदर है, ठीक है, और मैं किसके ऊपर फोकस करूंगा, रोड के लोअर एंड के ऊपर। जो रोड का लोअर एंड का मोशन होगा वही कंप्लीट रोड का मोशन होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब देखो, मान लो इस रोड का जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो कैपिटल ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रोड, ये मान लो कैपिटल ए है, ठीक है। तो देखो ये एक्स, तो ये कितनी होगी, एल माइनस एक्स हो जाएगी, सही बात है। तो देखो, इस पोजीशन पे रोड पे कौन से फोर्स आएंगे, एक तो एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, मास ऑफ रोड वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ रोड रो बाय फोर इंटू में वॉल्यूम ऑफ रोड, रोड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू में ए, ठीक है। तो रो बाय फोर एल ए, ये तो हो गया मास ऑफ रोड, और इनटू में जी, ये तो आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस पोजीशन पे जो रोड पे बायोंड फोर्स आएगा, अप थ्रस्ट फोर्स बाय फ्लूड, वो कितना आएगा। अब देखो, इस पोजीशन पे रोड का कितना वॉल्यूम फ्लूड के अंदर है,
ए इंटू में एक्स, ठीक है। और अब थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, रोड का वॉल्यूम इनसाइड फ्लूड, ए इंटू में एक्स इंटू में रो जी, ठीक है। तो अब देखो यहां से ए रो जी की वैल्यू ये कितनी आई है, 4mg बाय में एल और इंटू में एक्स, सही बात है। तो अब देखो इस पोजीशन पे रोड पे नेट फोर्स ये कितना आया, देखो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो इस पोजीशन पे रोड पे नेट फोर्स ये कितना आया, प्लस mg माइनस अब थ्रस्ट फोर्स 4mgx बाय में एल। तो यहां पे किसको कॉमन ले लो, mg को कॉमन ले लो, ठीक है, 1 माइनस 4x बाय एल, तो ये कितना हो गया l माइनस 4x बाय एल, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मास ऑफ रोड m इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ रोड, और वो क्या होगा v dv/dx। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, dv/dt, dv/dt को क्या लिख सकता हूं, dv/dx इनटू में dx/dt, dx/dt क्या होता है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया v dv/dx, ठीक है। तो यहां पे देखो m से m कैंसिल हो गया, तो v dv ये कितना आ गया, g इंटू में l माइनस 4x बाय l dx, ठीक है, इतना ही आ गया बिल्कुल। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो और इस l को बाहर ले आओ और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो देखो x जब जीरो है, x जीरो कब होगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे x जीरो है ना, क्योंकि x मैंने क्या माना है, रोड के लोअर एंड की पोजीशन फ्रॉम दी सरफेस ऑफ फ्लूड। तो यहां पे रोड के लोअर एंड की पोजीशन फ्रॉम दी सरफेस ऑफ फ्लूड वो क्या है, जीरो, x इज इक्वल टू जीरो। तो जब x जीरो है तो रोड की वेलोसिटी वो क्या होगी, ऐसे v1 मतलब ऐसे पॉजिटिव, और कितनी, रूट gl। और जब x x होगा मतलब इस पोजीशन पे, तब मान लो रोड की जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे v होगी, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है सिंपली, इसको आप सोल्व कर सकते हो काफी आसानी से, ठीक है। यहां से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगी, रोड की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब इस पोजीशन पे रोड की वेलोसिटी आ जाएगी। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे, जो कि काफी आसानी से सोल्व कर सकते हो, तो यहां पे रोड की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ये क्या आएगी, इसको अच्छे से सोल्व करने के बाद में, अंडर द रूट ऑफ जी इंटू में 2x प्लस एल माइनस 4x स्क्वायर बाय एल, ठीक है। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था निकालना, इस पोजीशन पे रोड की वेलोसिटी v वो ये आ गई, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू रूट जी इंटू में 2x प्लस एल माइनस 4x स्क्वायर बाय एल, ठीक है। और देखो इसी पोजीशन पे जो रोड का एक्सेलरेशन है a, मतलब ये जो इंटरमीडिएट पोजीशन है जैसा कि दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन पे रोड का जो एक्सेलरेशन होगा a वो कितना आएगा, देखो यहां से
जी इंटू में एल माइनस फोर एक्स बाय एल, ठीक है। ध्यान रहे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ये रोड नीचे की तरफ आएगी, बिल्कुल आएगी। अब जो क्या होगा, रोड का रिटार्डेशन होगा, मतलब एक्सलरेशन नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये एक्सलरेशन मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाएगा, 4x ग्रेटर देन l बाय 4, ये रोड नीचे की तरफ आएगी, मतलब रोड रिटार्ड होगी, बिल्कुल। डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ऐसे रहेगा, लेकिन जैसे रोड नीचे की तरफ आएगी, अब थ्रस्ट फोर्स mg से ज्यादा हो जाएगा और वो और ज्यादा ही होता जाएगा, तो मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा और वो मोर एंड मोर नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है। रोड रिटार्ड करेगी इससे आगे, रोड नीचे की तरफ जब आएगी तो रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, हो सकता है कि ये रोड पूरी इसके अंदर डूबे ही ना, मतलब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, चेक तो करना पड़ेगा ना, कि कुछ इस पोजीशन पे रोड एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आए, इनसाइड फ्लूड, मतलब हो सकता है कि ये रोड पूरी इस फ्लूड के अंदर डूबे ही ना, इस रोड की रफ्तार कम होती होती कुछ इस पोजीशन पे ही जीरो हो जाए, ठीक है। इसको चेक करके देखते हैं, मतलब आगे जो रोड की रफ्तार कम होती जाएगी, रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसको चेक करना पड़ेगा कि ये जो रोड की रफ्तार कम होती गई, रोड फ्लूड के अंदर और ज्यादा एंटर करती गई, रिटार्डेशन बढ़ता गया, तो रोड को तो एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आना ही है फ्लूड के अंदर, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ इस पोजीशन पे रेस्ट पे आए रोड फ्लूड के अंदर, मतलब पूरी डूब ही ना पाए ये रोड इस फ्लूड के अंदर, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको चेक करके देखते हैं, इस v को जीरो पुट कर दो, जब रोड एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी इस पोजीशन पे, तो v क्या होगा, जीरो, ये v जीरो हो जाएगा ना, और ये जीरो कब होगा, जब 2x प्लस एल माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाय एल, ये क्या होगा, जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 0.8L। अब देखो 0.8L तो L से कम ही है, तो इसका मतलब जो मैं सोच रहा था कि रोड इसी पोजीशन पे इनसाइड फ्लूड रेस्ट पे आएगी, मतलब पूरी तरह तो डूब ही नहीं पाएगी रोड कभी, वो बिल्कुल सही निकला। तो ये क्या होगा, 0.8L, तो कुछ इस पोजीशन पे रोड फ्लूड के अंदर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, ये रोड फ्लूड के अंदर पूरी तो डूब ही नहीं पाई, ठीक है। और ये कितना होगा, 0.2L, ठीक है। और अब देखो, पूछ क्या रखा था, किस पोजीशन पे रोड फ्लूड के अंदर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, इस पोजीशन पे आएगी, ये मेरा आंसर हो गया, इस पोजीशन पे आएगी रोड फ्लूड के अंदर एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, मतलब रोड पूरी तरह फ्लूड के अंदर तो कंप्लीटली जाएगी ही नहीं, पूरी तरह रोड फ्लूड के अंदर नहीं डूबेगी, कुछ इसी पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये रोड ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ एक्सलरेट होगी, और एक्सलरेशन क्या होता जाएगा, कम, तो रोड इस पोजीशन से भी पास होगी, तो इस पोजीशन पे रोड का एक्सलरेशन क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो इस पोजीशन पे जब रोड ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो ऑब्वियसली रोड की जो
स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी और वी मैक्सिमम होगी, ठीक है। रोड और ऊपर की तरफ जाएगी तो अब रोड का रिटार्डेशन होगा, ठीक है, और वो रिटार्डेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रोड की रफ्तार कम होती जाएगी, रोड और ऊपर की तरफ जाएगी, रिटार्डेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता, ठीक है। तो कुछ इस पोजीशन पे आएगी मेरी रोड ऊपर की तरफ जाते हुए, तो ऊपर की तरफ जाते हुए इस रोड की रफ्तार ऊपर की तरफ कितनी होगी, V1 इस पोजीशन पे, जब ये रोड इस फ्लूड के जस्ट बाहर निकली होगी और ऊपर की तरफ जा रही होगी, रफ्तार कितनी होगी, V1, और कितनी रूट GL, ठीक है। तो इसको आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, इतनी आएगी रूट GL, ठीक है, एक्स को 0 ही पुट करना होगा। इनफैक्ट अगर आप वेलोसिटी की बात करो ना, वेलोसिटी ऑफ रोड कब, जब रोड का कुछ हिस्सा फ्लूड के अंदर हो, व्हेन रोड इनसाइड फ्लूड, मतलब थोड़ा सा भी हिस्सा फ्लूड के अंदर हो, तो अगर आप वेलोसिटी की बात करो, मतलब डायरेक्शन के हवाले से पॉजिटिव नेगेटिव, तो आगे पॉजिटिव नेगेटिव लगाना पड़ेगा, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगी, जब ऐसे, और पॉजिटिव कब होगी, जब ऐसे। पर ये फॉर्मूला तब के लिए लागू है, ये ध्यान रहे, जब रोड का कुछ हिस्सा फ्लूड के अंदर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रोड जस्ट फ्लूड के बाहर निकल रही है, तो रोड की रफ्तार क्या होगी, ऐसे V1, और कितनी रूट GL ही होगी। लेकिन वेलोसिटी की बात करूँ तो डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी, तो एक्स को 0 करना, तो वेलोसिटी क्या आएगी इस पोजीशन पे ऊपर की तरफ जाते हुए, माइनस रूट GL लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर और ऊपर की तरफ जाएगी रोड, रिटार्ड ही होगी, अब रिटार्डेशन कॉन्स्टेंट हो गया, रिटार्डेशन कितना होगा जी, अंडर ग्रेविटी रिटार्ड होगी, अब बोल सॉरी, अब रोड ऊपर की तरफ अंडर ग्रेविटी रिटार्ड होगी, तो रिटार्ड होती होती इसी पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी। तो कुल मिला के ये ऐसे ऑसिलेशंस चलती रहेंगी, रोड इनसाइड फ्लूड कुछ इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आई थी, ये कितना 0.8L, तो कुल मिला के ये ऐसे ऑसिलेशंस चलती रहेंगी क्योंकि फ्लूड आइडियल है और ऊपर कोई हवा भी नहीं मानी गई, ठीक है, ये रोड ऐसे ओसिलेट करती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी इनसाइड फ्लूड, रोड तो यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में या इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में फ्लूड के अंदर कंप्लीटली डूबेगी ही नहीं, इस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, ठीक है, इनसाइड फ्लूड, जब रोड का कितना पोर्शन इनसाइड फ्लूड होगा 0.8L, और ऊपर की तरफ यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, ठीक है, फ्लूड के सरफेस से कितना ऊपर, L/2 height ऊपर, यहां पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, और ये रोड ऐसे ओसिलेशंस करती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। फाइंड आउट क्या करना था, फ्लूड के अंदर रोड किस पोजीशन पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना था, और जब रोड इस पोजीशन से पास हो रही होगी ना, तो रोड का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, ठीक है, चाहे ऐसे पास हो रही होगी या ऐसे इस जर्नी में, जब रोड इस पोजीशन से पास हो रही होगी, मतलब जब रोड का 1/4 हिस्सा फ्लूड के अंदर होगा एक मोमेंट के लिए, चाहे रोड की डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे हो या ऐसे हो, तो रोड की रफ्तार मैक्सिमम होगी, वी मैक्सिमम, वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, यहां पे आपको एक्स कितना पुट करना होगा, L/4, ठीक है,
तो यहां पे इस फॉर्मूले में x को बस l बाय फोर पुट कर दो, तो x को जब l बाय फोर पुट करोगे ना तो रूट ऑफ दिस ये कितना आएगा, रूट फाइव बाय फोर एल जी। तो रोड की मैक्सिमम रफ्तार ये होगी और किस पोजीशन पे होगी, इस पोजीशन पे, चाहे नीचे आते वक्त या ऊपर जाते वक्त, ठीक है, क्योंकि इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होगा रोड का, इसी पोजीशन पे अब थ्रस्ट फोर्स एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आएगा और यहां पे ये रोड ऐसे ऑसिलेशंस करती रहेगी, रुकने वाली नहीं है। पूछा क्या गया था, किस पोजीशन पे इनसाइड फ्लूड रोड एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, इस पोजीशन पे, ठीक है। ये रोड तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में पूरी तरह फ्लूड के अंदर तो आएगी ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितना फ्लूड के अंदर आएगी है, 0.8L, ये कितनी हो जाएगी, 0.2L, क्योंकि रोड की लंबाई तो L है ना। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल ऐसा ही है, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, ये जो सेकंड न्यूमेरिकल है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही है, कॉन्सेप्ट के वाले से बस। तो सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, और मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें फ्लूड भरा हुआ है, आइडियल फ्लूड, ठीक है। इस फ्लूड की डेंसिटी है मान लो रो, और फ्लूड की हाइट दे रखी है यहां पे कितनी, 5L, ठीक है। और देखो एक रोड है यहां पे यूनिफॉर्म रोड जिसकी डेंसिटी कितनी है, 2 रो बाय 3, और रोड की लंबाई क्या है, L, ठीक है। और कोई हवा को नहीं माना गया, नो एयर, ठीक है। और मान लो ये हाइट है Y, मैं यहां से इस रोड को रेस्ट से रिलीज करूंगा, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, y की मिनिमम वैल्यू, मतलब ये जो हाइट है ना इस रोड की फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूड, ये जो y हाइट है इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो कि ये रोड इस कंटेनर के बॉटम को टकरा जाए, y की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो सो दैट रोड रीच्ड टू बॉटम ऑफ कंटेनर, कंटेनर के बॉटम तक पहुंच जाए ये रोड। तो अब देखो इसको अलग से एक बार थोड़ी देर के लिए, वही फ्लूड है, फ्लूड की डेंसिटी कितनी, रो, यहां पे ये यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लंबाई L है, डेंसिटी 2 रो बाय 3। अगर इस यूनिफॉर्म रोड को मैं जेंटली रखूंगा इस फ्लूड पे तो ये रोड तो फ्लोट करेगी और इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, क्योंकि रोड की डेंसिटी 2 रो बाय 3 फ्लूड की डेंसिटी रो से कम है। तो अगर जेंटली इस रोड को आप फ्लूड के ऊपर रखोगे तो रोड कुछ इस पोजिशन पे फ्लोट करेगी इक्विलिब्रियम पे, और ये हाइट h1 ये कितनी आएगी, 2 रो बाय 3 बाय में रो और इनटू में दिस लेंथ l, ये कितनी आ गई, 2L/3 आ गई। तो
तो अगर आप इस रोड को जेंटली इस फ्लूड के ऊपर रखोगे तो रोड इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे होगी, फ्लोट करेगी, अंदर नहीं जाएगी, डूबेगी नहीं, ठीक है। ये H1 कितना होगा, 12/3, इस पोजीशन पे रोड फ्लोट करेगी। लेकिन अगर मैं इस रोड को कुछ ऊपर से, मतलब इस फ्लूड के सरफेस से वाई हाइट ऊपर से अगर मैं रेस्ट रिलीज करूं इस रोड को, तो अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट होगी। हो सकता है ना कि ये रोड इस कंटेनर के बॉटम तक पहुंच जाए या कंटेनर के बॉटम को टकरा जाए, ऐसा हो सकता है अगर रोड को ऊपर से छोड़ा जाए तो। तो यही फाइंड आउट करना वाई की मिनिमम वैल्यू, कि ये रोड कंटेनर के बॉटम तक पहुंच जाए या कंटेनर के बॉटम से कोलिजन कर जाए, ठीक है। तो अब देखो ये रोड अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट करेगी, बिल्कुल करेगी। तो जब ये रोड फ्लूड के अंदर जस्ट एंटर कर रही होगी तो इस रोड की वेलोसिटी v1 वो क्या होगी, तो यहां से यहां तक रोड अंडर ग्रेविटी कितना नीचे आई है एक्सेलरेट होती हुई, y नीचे आई है, तो ये v1 कितना होगा, √2gy, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो रोड और अंदर घुसेगी, बिल्कुल घुसेगी, और रोड की रफ्तार बढ़ेगी ही, लेकिन अब रोड का एक्सेलरेशन जी से कम होता जाएगा। तो कुछ इस पोजीशन पे रोड एक मोमेंट के लिए आएगी और रोड की कुछ रफ्तार भी होगी v2, ठीक है। जब ये हाइट कितनी होगी, 2l/3, तो इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा रोड का, 0, ठीक है। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक रोड अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट हुई है, रोड का एक्सेलरेशन जी, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक भी रोड एक्सेलरेट हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन रोड का एक्सेलरेशन जी से और कम होता गया, और इस पोजीशन पे रोड का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक mg ग्रेविटेशनल फोर्स अब थ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा ही आएगा, मतलब इसीलिए तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, मतलब जैसे रोड फ्लूड के अंदर जाती जाएगी, इस पोजीशन तक रोड एक्सेलरेट करेगी, लेकिन वो अप थ्रस्ट फोर्स वो भी तो बढ़ता जाएगा, हालांकि अप थ्रस्ट फोर्स mg से कम ही होगा, मतलब एक्सेलरेट करेगी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा इस रोड का, ठीक है। तो अब रोड और नीचे आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। अब रोड क्या होगी, रिटार्ड करेगी, ठीक है। तो कुछ इस पोजीशन पे आएगी, ठीक है, मतलब जब रोड कंप्लीटली जस्ट एंटर करी है फ्लूड के अंदर, तो मान लो रफ्तार होगी v3। तो इस स्टेज के आगे जब रोड और एंटर करती जाएगी फ्लूड के अंदर, रोड रिटार्ड करेगी, और रिटार्डेशन क्या होता जाएगा, यहां से यहां तक इस स्टेज तक बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब थ्रस्ट फोर्स mg से ज्यादा होगा और वो और ज्यादा ही होता जाएगा। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक रोड रिटार्ड करेगी, बिल्कुल रोड की वेलोसिटी कम होती जाएगी, और मान लो रोड इस पोजीशन तक पहुंची और रोड की कुछ रफ्तार है v3, ठीक है। इस पोजीशन के बाद में ऑब्वियसली रोड नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन रिटार्डेशन कॉन्स्टेंट होगा, रिटार्ड करेगी लेकिन रिटार्डेशन कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। फ्लूड की हाइट कितनी है, 5L, ठीक है। इसके बाद में रोड और अंदर जाएगी फ्लूड के अंदर, रिटार्ड करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन इस स्टेज से आगे जब ये रोड और अंदर जाएगी फ्लूड के अंदर, रिटार्डेशन कॉन्स्टेंट होगा। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि ये रोड इस पोजीशन तक पहुंचेगी,
ठीक है, मतलब कंटेनर के बॉटम तक पहुंचेगी और मान लो रफ्तार होगी v4। तो अगर ये रोड कंटेनर के बॉटम तक अगर पहुंची है और रफ्तार v4 है तो v4 जीरो या जीरो से ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये कितनी l और ये हाइट कितनी है 5l, ठीक है, फ्लूड की हाइट। तो ये कितना हो गया 4l हो गया, सही बात है, ठीक है। तो अब देखो मैं एक स्टेज बनाने जा रहा हूं इन के बीच की स्टेज, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज, जब रोड का कुछ हिस्सा फ्लूड के अंदर है, ठीक है, वो स्टेज बनाने जा रहा हूं मैं, जब रोड का कुछ हिस्सा फ्लूड के अंदर है वो इंटरमीडिएट स्टेज, मान लो वो ये है, ठीक है। जब रोड का कुछ हिस्सा फ्लूड के अंदर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मानूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पोजीशन पे कुछ रफ्तार होगी, बिल्कुल होगी, रोड की कुछ रफ्तार होगी, बिल्कुल होगी भी, ठीक है। तो अब देखो मान लो रोड का जो ये क्रॉस सेक्शन है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया रोड का, वो मान लो कैपिटल ए है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे रोड पे कौन से फोर्स आएंगे, और देखो ये पोजीशन क्या है, ये डिस्टेंस क्या है एक्स, तो फोकस किसके ऊपर करना है, रोड के लोअर एंड पे, ठीक है। रोड के लोअर एंड का जो मोशन होगा वही रोड का मोशन हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और यहां पे रोड के लोअर एंड की पोजीशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूड वो क्या है एक्स, ऐसे पॉजिटिव मानना है मैंने इस डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। और मान लो रोड का जो मास है वो है एम, ये कितना हो जाएगा, रोड की डेंसिटी 2ρ/3 इंटू में रोड का वॉल्यूम, रोड का वॉल्यूम क्या आएगा एल इंटू में ए, मतलब ए एल, ठीक है। और इस पोजीशन पे देखो रोड पे क्या क्या फोर्स आएंगे, एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, सही बात है, बिल्कुल आएगा। ये किसके बराबर होगा, एम मास ऑफ रोड 2ρ/3 ए एल और इंटू में जी, बिल्कुल सही है। और इस पोजीशन पे रोड पे एक अपथ्रस्ट फोर्स आएगा, बायोंड फोर्स, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रोड विच इज इनसाइड फ्लूड, ये कितना होगा ए एक्स इंटू में फ्लूड की डेंसिटी रो और इंटू में जी, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो अब देखो यहां से ये जो अपथ्रस्ट फोर्स आया है बायोंड फोर्स ए एक्स रो जी, ये किसके बराबर होगा, एक्स इंटू में ए रो जी, और यहां से ए रो जी की वैल्यू वो क्या आएगी 3mg/2l, तो ये क्या हो जाएगी 3mgx/2l, ठीक है, ठीक है, 3mgx/2l, x तो ये रहा और a rho g की वैल्यू यहां से क्या आएगी, a rho g 3mg/2l, सही बात है, ठीक है। तो अब देखो इस पोजीशन पे रोड पे नेट फोर्स वो क्या आया, दिस mg इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो प्लस mg माइनस दिस बायोंड फोर्स बाय फ्लूड, मतलब माइनस 3mg/2l इंटू में एक्स। तो यहां से क्या करो, mg को कॉमन ले लो, ठीक है,
तो 1 माइनस 3x बाय 2l, तो ये क्या होगा 2l माइनस 3x बाय 2l, ये क्या होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मास ऑफ रोड m इंटू में एक्सलरेशन ऑफ रोड, और ये क्या होगा v dv बाय dx। ठीक है, यहां पे m से m कैंसिल हो गया तो v dv, ये कितना आ गया v dv g बाय 2l इंटू में 2l माइनस 3x dx, ये आ गया। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, व्हेन x इज जीरो, एक्स इज जीरो पोजीशन ये है, मतलब रोड के लोअर एंड की पोजीशन फ्रॉम दी सरफेस ऑफ फ्लूड, वो जीरो इसी पोजीशन पे होगी ना जब रोड फ्लूड के अंदर जस्ट एंटर कर रही होगी। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे रोड की वेलोसिटी ऐसे वी वन, और कितनी √2gy। ठीक है, और जब रोड जस्ट कंप्लीटली एंटर की है इनसाइड फ्लूड, मतलब जब x कितना है l, तो रोड की वेलोसिटी होगी v3। ठीक है, तो यहां से आप दोनों तरफ अच्छे से इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके v3 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और ये कितनी आएगी, यहां पे v3 की वैल्यू यहां से जब रोड कंप्लीटली जस्ट एंटर की होगी फ्लूड के अंदर, तो रोड की वेलोसिटी होगी v3, और वो यहां से इस इंटीग्रेशन को अच्छे से सोल्व करके वो क्या आएगी, सोल्व कर सकते हो ना इस इंटीग्रेशन को अच्छे से, बस इस इंटीग्रेशन को दोनों तरफ अच्छे से सोल्व करना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, तो v3 की वैल्यू वो यहां से वो क्या आएगी √g इंटू में l प्लस 4y बाय 2, ये आएगी। मतलब जब ये रोड कंप्लीटली फ्लूड के अंदर जस्ट एंटर की होगी तो इस रोड की रफ्तार वो v3 इतनी होगी, ये यहां से आई है इसको सोल्व करके, इस इंटीग्रेशन को अच्छे से सोल्व करके। ठीक है, और देखो फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में रोड और नीचे आएगी, रोड रिटार्ड करेगी, लेकिन यहां से यहां तक रोड का रिटार्डेशन क्या होगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, रोड का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे, लेकिन रोड पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि अब थ्रस्ट फोर्स mg से ज्यादा होगा। ठीक है, और यहां से यहां तक जब रोड और नीचे आएगी, अब थ्रस्ट फोर्स तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा और वो mg से ज्यादा, तो रोड रिटार्ड करेगी यहां से यहां तक, लेकिन रिटार्डेशन कॉन्स्टेंट होगा, तो एक तरह से एक्सलरेशन नेगेटिव आएगा यहां से यहां तक और वो कॉन्स्टेंट आएगा। वो कितना आएगा वो निकालते हैं, कोई इंटरमीडिएट स्टेज मान लो इन दोनों के बीच में, जब रोड कंप्लीटली फ्लूड के अंदर है, तो एक तो mg फोर्स आएगा। ठीक है, m मास ऑफ रोड वो कितना 2 रो बाय 3 इंटू में al, l क्या है रोड की लंबाई, तो जब ये रोड कंप्लीटली फ्लूड के अंदर है, कंप्लीटली फ्लूड के अंदर है, तो अब थ्रस्ट फोर्स क्या आएगा, बायउंड फोर्स बाय फ्लूड, वॉल्यूम ऑफ दिस रोड जो कि फ्लूड के अंदर है, पूरी रोड ही फ्लूड के अंदर है, तो वॉल्यूम कितना 2 रो बाय 3 इंटू में ए, ठीक है, यहां पे जी भी आएगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो मास था रोड का 2 रो बाय 3 इंटू में ए इंटू में एल, यहां पे जी भी आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स में,
और जब ये रॉड कंप्लीटली फ्लूड के अंदर है तो बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स बाय दिस फ्लूड वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रॉड इनसाइड फ्लूड, और रॉड कंप्लीटली फ्लूड के अंदर है तो रॉड का वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू में एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इज कैपिटल ए और रोड की लंबाई क्या एल, सही बात है। तो अब थ्रस्ट फोर्स क्या आएगा, ए इंटू में एल वॉल्यूम ऑफ रोड इनसाइड फ्लूड, क्योंकि पूरी रोड ही फ्लूड के अंदर है तो यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ रोड इनसाइड फ्लूड होगा वो कंप्लीटली रोड का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। ए इंटू में एल इंटू में फ्लूड की डेंसिटी रो इंटू में जी, ये आएगा अब थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो अब देखो यहां से ए एल रो जी की वैल्यू ये कितनी आएगी, 3mg/2, तो अब थ्रस्ट फोर्स कितना आ गया, 3mg/2 अब थ्रस्ट बायोंट फोर्स, तो देख सकते हो बायोंट फोर्स 3mg/2 mg से ज्यादा है। और यहां से यहां तक रोड तो ऐसे मूव करेगी ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे, और नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्योंकि अब थ्रस्ट mg से ज्यादा है, तो यहां से यहां तक रोड रिटार्ड करेगी, मतलब एक्सलरेशन नेगेटिव आएगा और वो भी कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है। तो एक्सलरेशन नेगेटिव और कितना, 3mg/2 -mg और डिवाइडेड बाय मास ऑफ रोड, m से m कैंसिल हो गया, 3g/2 माइनस जी ये कितना हो गया, g को कॉमन ले लो, 3/2 -1, तीन में से दो गया एक, तो 1/2, तो ये कितना आ जाएगा -g/2, मतलब जब ये रोड यहां से और नीचे आएगी तो ऑब्वियसली रिटार्ड तो होगी, रफ्तार कम होती जाएगी और एक्सलरेशन वो क्या आएगा नेगेटिव, मतलब रिटार्ड होगी और वो नेगेटिव कॉन्स्टेंट आएगा और कितना -g/2, ठीक है। यहां से निकाल लिया ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सलरेशन से, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे और नेट फोर्स ऊपर की तरफ तो ऑब्वियसली रिटार्ड करेगी, एक्सलरेशन नेगेटिव आएगा मतलब -g/2 आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये रिटार्ड करती करती मान लो कंटेनर के बॉटम तक पहुंचेगी, और जब ये कंटेनर के बॉटम तक बॉटम को जस्ट हिट करेगी तो मान लो इस रोड की रफ्तार होगी v4, मतलब जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द कंटेनर इस रोड की वेलोसिटी होगी v4, और अगर ये रोड कंटेनर के बॉटम को हिट कर रही है तो v4 जीरो या जीरो से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से यहां तक एक्सलरेशन कॉन्स्टेंट होगा और वो नेगेटिव होगा -g/2, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, रिटार्ड, ठीक है। तो v² = u² + 2as अप्लाई कर दो इस स्टेज से इस स्टेज तक, मतलब v² = v³², और ये क्या आएगा g (l+4y)/2 v³² यही तो होगा +2 एक्सेलरेशन नेगेटिव -g/2, और यहां से यहां तक रोड कितना नीचे की तरफ आई 4l, ठीक है। तो यहां से v² देखो कितना हो गया g(l/2)+2gy-4gl, ठीक है। तो v² देखो कितना होगा, यहां पे g को कॉमन ले लो, l/2 -4l+2y, l/2 -4l ये कितना हो गया l-8l -7l, तो -7l/2,
ठीक है, और वी फोर कितना हो जाएगा, इसका रूट कर दो। अगर रोड इस कंटेनर के बॉटम तक पहुंच रही है या कंटेनर के बॉटम को हिट करेगी, और जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द कंटेनर रोड की रफ्तार या रोड की वेलोसिटी वी फोर माननी है, अगर ये रोड कंटेनर के बॉटम को हिट करेगी या कंटेनर के बॉटम तक पहुंचेगी, तो वी फोर जीरो या जीरो से ज्यादा होना चाहिए, तो वी फोर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और ये कब होगा, जब अंडर द रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी है 2y माइनस 7l बाई टू, जब ये जीरो या जीरो से ज्यादा होगा, मतलब जब 2y 7l बाय 2 के बराबर या उससे ज्यादा होगा, मतलब जब y 7l बाय 4 के बराबर या उससे ज्यादा होगा, मतलब जब ये हाइट है ना जहां से मैं इस रोड को रेस्ट रिलीज कर रहा हूं, ऐसे छोड़ रहा हूं, फ्लूड के सरफेस से कितनी हाइट ऊपर से, y हाइट के, y हाइट ऊपर से, अगर ये हाइट y 7l बाय 4 के बराबर या उससे ज्यादा हुई ना, तो रोड पक्का इस कंटेनर के बॉटम तक पहुंचेगी, या मैं बोल लूं कंटेनर के बॉटम को हिट करेगी, ठीक है। तो y की मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी कि रोड कंटेनर के बॉटम को हिट करे या कंटेनर के बॉटम तक पहुंचे, और वो कितनी आई 7l बाय 4, और ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। y की मिनिमम वैल्यू सो दैट दिस रोड रीच्ड टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर, वो कितनी होगी 7l बाय 4, मतलब जब मैं यहां से रोड को रेस्ट रिलीज कर रहा हूं ना, जब इस रोड की हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूड y है, अगर ये 7l बाय 4 के बराबर या उससे ज्यादा हुई, और जब मैं यहां से रोड को रेस्ट रिलीज करूंगा, तो रोड पक्का इस कंटेनर के बॉटम को हिट करेगी या कंटेनर के बॉटम तक पहुंचेगी, पक्का है ये, ठीक है। मतलब जब तब वी फोर जीरो या जीरो से ज्यादा पक्का होगा। तो यही पूछ रखा था y की मिनिमम वैल्यू सो दैट दिस रोड हिट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, वो कितनी होगी 7l बाय 4, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये बहुत रियल लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अच्छी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको जितना उसके फील करो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।